हाथरस कांड को लेकर कानपुर में परमपुरवा में महिलाओं ने जताया भारी विरोध। हम आपको बता दें, कानपुर में वाल्मीकि समाज व आजादी समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर हाथरस की बेटी को दी श्रद्धांजलि और न्याय दिलाने के लिए जताया भारी विरोध। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? जो आज कैंडल मार्च निकाला है, आपने क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जो इन्होंने अपराध किया उनको बड़ी सजा, फांसी होनी चाहिए उनको। अगर अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, गलत किया उन लोगों ने, हम लोग समाज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हाथरस में बेटी के साथ हुआ है, आप भी एक महिला हैं तो आप दर्द समझ सकती हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद करती हैं और क्या कहना चाहते हैं? उम्मीद करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी चाहिए, बस फांसी, सिर्फ फांसी चाहिए। सबका कहना है कि उससे नाम है अंकित कुमार। किस पार्टी से? ये आजाद समाज पार्टी। आज जो कैंडल मार्च निकाला है और क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं ये कि ये जो कैंडल मार्च है, ये दलित समाज का आक्रोश है। जो एक मिनट शांत रहो, जो हमारे वाल्मीकि समाज की बेटी का जो साथ जो शोषण हुआ है, उसके बलात्कार के बाद जो हत्या हुई, जो उसकी मृत्यु हुई 14 हॉस्पिटल से, उसके बाद जो है जो लोगों में रोष है कि हमारी बहन को न्याय नहीं मिल रहा, और जिसके लिए हम लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये मेरी सरकार से ही मांगा है कि कम से कम हमारे उसको फांसी की सजा दी जाए, जो भी इसके आरोपी है। सरकार से मांग ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनको तुरंत अधिक से अधिक जल्दी न्याय मिले, और ये बलात्कार की ये जो घटना है इसको खत्म करने की कोशिश करे, आरोपियों को ऐसा दंड दे कि लोगों में एक मिसाल बने। पीएम को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा, जो भी इसमें आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और जो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी से नीचे कोई मांगी नहीं हम, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत सालों से होता आ रहा है, मुआवजा देके उसकी इज्जत का सौदा किया जाता है। 25 लाख रुपए देके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि वहाँ पे दलित समाज की बेटी की औकात है? हम धर्मेंद्र कुमार वाल्मीकि है, मैं झील ब्रह्मपुरवा निवासी हूँ, और आज हम लोग जो कैंडल मार्च कर रहे हैं यहाँ पर समाज को लेकर, समाज के साथ में जुड़कर, बड़ा अफसोस की बात है कि एक हमारी दलित समाज की बहन या बेटी के साथ जो विरोधी काम हुआ है, जो भी विपक्ष का काम हुआ है, उससे हमारी समाज के लोग करके काफी उत्साह है। और मैं अपनी सरकार से ये मांग रखता हूँ कि जिसने भी जो दुर्घटना वाली काम किया है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए, और पीड़ित घर के लोगों को उनको मुआवजा के तौर पे एक मदद करी जाए सरकार के खिलाफ, और घर को किसी एक व्यक्ति को पुलिस करने की नौकरी दी जाए, और हमारे पीड़ित घर के लोगों को किसी को एक पुलिस करने की नौकरी दी जाए। मेरी यही सरकार से उम्मीद है, सरकार से यही मेरी कहना है। जैसे हाथरस के बाद बलरामपुर में घटना हुई है, फिर उसके बाद कानपुर देहात में हुई है, क्या कहना चाहते हैं? बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या कहें? बेटियों पर अत्याचार इसलिए हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं भैया, और हमारी सरकार से यही हमारा कहना है कि सरकार अपना फैसला जल्द से जल्द ले, वरना इस सरकार का कोई मतलब नहीं है सरकार का रहने का। हम अगर हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, और हमको अगर हमको मौका मिला तो हड़ताल भी मचा सकते हैं, हम काम बंद भी कर सकते हैं, अगर सरकार ने अपने जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया।